आज काफ़ी टाइम से स्कूलों में सेक्स एजुकेशन एक अलग से चैप्टर होता है शायद, हमने तो बहुत पहले स्कूलिंग कर लिया था, पर एक्चुअल में सेक्स एजुकेशन के नाम पर कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेंस की फोटोग्राफ दिखा दिया जाता है, छोटा मोटा वीडियो दिखा दिया जाता है। बट आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे बच्चों का कह सकते हैं कि जो एक्चुअल सेक्स एजुकेशन होती है वो उनको मोबाइल में पोर्नोग्राफी के थ्रू ही मिलती है। आज की डेट में मेरा जो चैनल है उसका फोकस सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को इन सब की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, इस सब के बारे में एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, तो अपने बच्चों को मेरे चैनल से दूर रखिएगा। हेलो, आज मैं बात करूँगा PID के बारे में। PID की फुल फॉर्म है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ में जो अपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेंस होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन ऑर्गेंस में है यूट्रस, सर्विक्स, फ्लॉपिन ट्यूब्स एंड ओवरीज। इसकी वजह से स्कार टिश्यूज़ हो जाते हैं और फ्लूइड की पॉकेट्स टाइप से एब्सेसिस बन जाती हैं। इसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी का रिस्क होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। इसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स भी होते हैं, इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी और फीवर भी होता है, और एक एपिसोड ही काफ़ी है परमानेंट डैमेज करने के लिए या इनफर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। वीमेन में डिस्चार्ज एक मेजर प्रॉब्लम है, जो कि आज की डेट में कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि 90% लेडीज़ को डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, और उस डिस्चार्ज का जो मेन रीज़न होता है वो भी PID है। PID में एक टर्मिनोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, डॉशिंग। इट इज़ वॉशिंग ऑफ द वजाइना इनसाइड, वॉशिंग द इनसाइड्स ऑफ द वजाइना। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, US गवर्नमेंट का है, और इट इज़ पार्ट ऑफ द US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। इतना इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है और कितना पैसा खर्च हो रहा आप सोच भी नहीं सकते, और इसका आर्टिकल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस आर्टिकल को पढ़ के देखिएगा। इसमें हर चीज़ में लिखा होता है जी हमें कुछ नहीं पता, हम स्टैंडर्ड्स इशू करेंगे जो प्रोडक्ट्स डॉशिंग के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं, वेदर दैट इज़ कॉजिंग PID और नॉट। किसी चीज़ का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, ये क्लिनिकल स्टडीज़ बोलते हैं जो कि कभी कंप्लीट नहीं होती।